मेरी जो शटर थी ना मेरी दुकान की, वो बिल्कुल कड़क सी चल रही थी, जो ऊपर नीचे नहीं हो रही थी। एक बंदा आया काला सा, ऑयल वॉयल लेके पैशन प्लस गाड़ी पे, वो मेरे पास आया। मैं दुकान खोल रहा हूँ, बोले भैया देखना हो मैं ये शटर को ढीला कर देता हूँ। उसने लगा दिया, ऑयल लगा दिया, ठोका इधर चार हथौड़ी मारी। अब देखो भैया एक हाथ से नीचे जा रही है शटर, जो मेरी दुकान की शटर नहीं खुल रही थी, शटर ऐसे शटर वैसे। अब बोले भैया एक उंगली से इसको ऊपर ले जाऊंगा, एक उंगली से मैं इसको नीचे लाऊंगा। फिर ग्रीस लगाया, इधर ऑयल लगाया। अब बोले भैया चीटी उंगली से मैं इस शटर को ऊपर ले जाऊंगा, इसको नीचे ले आऊंगा, ठीक है। उसने मेरे से 300 रुपए लिए। अब उसने मेरे को क्या बोला, मैं दिन भर में 25 से 30 शटर सुधारता हूँ। 30 × 25 कितना हो गया? 7,500 रुपए रोज, महीने का कितना हो गया? 2,25,000 रुपए। आप में से कोई करेगा ये काम? भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी भाई, इंटरप्रियोर बनने जा रहा हूँ। तो इंटरप्रियोर, हाँ वो भैया ने कही है ना, प्रबल भैया ने, कि अब कोई भी बन सकता है इंटरप्रियोर। और जो मतलब कि जो ठेले वाले होते हैं वो आपके पापा से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो मेरे दोस्त पापा की सैलरी 2,00,000 रुपये है, तो कम से कम 3,00,000 में भी 3-4 लाख रुपये तक पाए लूँगा। तो भैया मेरे को इंटरप्रियोर बनना है, इंटरप्रियोर। अच्छा हाँ हाँ, मेरे ठेला देख लिया है, अभी ये वाला ठेला लगाऊंगा मैं, ये देखो ये वाला। और यही मेरे पास भी काम चल रहा है, काम तो वो काम है ना, तो भैया भैया वो काम में जो लोग काम करने आया करेंगे, ये देखो जो यहाँ पे काम करने आया करेंगे वो मेरे ठेले से सब चीज खाया करेंगे। MBA चाय वाला लोगों को डायरेक्ट लूट रहा है, उसके खिलाफ में 28 FIR हो चुकी है। ये लोगों को MBA चाय की फ्रेंचाइजी लेने के लिए अब लोग 12 से 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं और 15 से 22 लाख रुपए उनके सेटअप पे लगवा देते हैं और उसके बाद 3 लाख रुपए पर मंथ की ये मंथली सेल प्रॉमिस करते हैं। और जिन्होंने इनकी फ्रेंचाइजी लिया वो कह रहे हैं कि 18,000 का रेवेन्यू मंथली भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है और एक ठेले का चाय वाला 1.5 लाख का टर्नओवर घुमा देता है। इनके इंडिया में 100+ आउटलेट्स है, लगभग इनके सारे स्टोर लॉस में ऑपरेट कर रहे हैं। बट उस फ्रेंचाइजी में जिस काम के लिए लोग आते हैं या तो उसका प्राइस ज्यादा या टेस्ट बुरा। बाबू चाय वाले अंकल से पूछी थी कि अंकल आप कितने कमा लेते हो, तो अंकल बोलने लग गए बेटा मैं तो केवल दिन का 200, 300, 400। लेकिन मुझे तो पता है अंकल झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया ने मुझे बोला है कि हर जितने आपके पापा की सैलरी है उससे ज़्यादा तो एक ठेले वाला कमा लेता है। लेकिन हाँ भैया ने एक बात और भी बोली है कि उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए होती है, चाहे वो MBA हो या MTech हो या BTech हो या ग्रेजुएशन हो, तभी आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो या अच्छे ठेले वाले बन सकते हो। हमने भी मैंने बाबू चाय वाले अंकल से पूछी थी कि अंकल आप कितने कमा लेते हो, तो अंकल बोलने लग गए बेटा मैं तो केवल दिन का 200, 300, 400। लेकिन मुझे तो पता है अंकल झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया ने मुझे बोला है कि हर जितने आपके पापा की सैलरी है उससे ज़्यादा तो एक ठेले वाला कमा लेता है। लेकिन हाँ भैया ने एक बात और भी बोली है कि उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए होती है, चाहे वो MBA हो या MTech हो या BTech हो या ग्रेजुएशन हो, तभी आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो या अच्छे ठेले वाले बन सकते हो। ये भाई इसलिए बड़े एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाए क्योंकि इन्होंने BTech या MTech नहीं करी। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले कुछ इस प्रकार के बिजनेस टाइकून के बारे में जिनको खुद नहीं पता वो किस प्रकार के बिजनेस टाइकून है। जी हाँ, एंटरप्रेन्योर बनने की सबसे अच्छी निंजा टेक्निक। तो गुरुदेव कैरी मराठी का आशीर्वाद लेते हुए, अपनी नाक से उंगली बाहर निकालो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। वो जरा जरा से 22 साल के लड़के वो आईफोन दिखा के खुश हो रहे। अरे बनाया किसी और ने, पैसे पप्पा ने दिए, तूने करा क्या? खुश किस बात का हो रहे तू? नहीं नहीं भाई, अगर घर वालों ने दिलवा रखा है तो नहीं फेंक दे इस आईफोन को, फेंक दे। देख घर वाले दिलवा गए तो क्या करे? नहीं भाई, इसका घमंड नहीं करे, इसे दिखाए नहीं,
इसे फेंक दे फेंक दे, कि क्यों दिला रखा है, है? आईफोन दिखा के गबंड नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? आजकल आजकल भाई लड़कियां भी आईफोन देख के सेट होती हैं, बिना आईफोन के नहीं। आप 1,00,000 रुपए महीना अगर कमाते हैं, साल का 12 लाख कमाया, आपको अगर करोड़पति बनना है तो 10 साल में आप 1,20,00,000 रुपए कमा पाओगे, करेक्ट? उसमें खर्चा कुछ नहीं किया आपने, तब मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? नहीं तो भाई ऐसा करें, खाना पीना छोड़ दें, खाना पीना छोड़ देते हैं, सारे खर्चे कम हो जाएंगे, करोड़पति बहुत जल्दी बन जाएंगे। मेरा नाम तापसी उपाध्याय है और मैं 21 ईयर की हूँ, सिर्फ 21 साल की, और कहते हैं ना एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो मेरे साथ वही वाली चीज़ है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। और लोग बोलते हैं कि हमें तो हमारे वो देसी सूजी और आटे वाले गोलगप्पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बीटेक करके गोलगप्पे बेच रही है, या फिर ये लड़की का काम नहीं है, तुम लड़की हो के स्ट्रीट पे खड़ी हो, इट्स नॉट योर वर्क, और तुम घर जाओ, तुम घर जाके घर का काम करो। गजब बेइज्जती है। आप सोचो, आप किसी दुकान पे गोलगप्पे खाने जा रहे हो और जैसे ही आप दोनों हाथ में लें, ऐसे गोलगप्पे वाला कहे, भैया मेरा नाम है चमन चूतिया, मैं 14 साल का हूँ और मैंने अभी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन MBA करी है, मैंने BTECH करी है, और उसे छोड़ के अब मैं चाय बेच रहा हूँ, पानी पूरी बेच रहा हूँ, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? पैसा ही पैसा होगा। जैसे आप आए थे दिल्ली में, आपने स्टार्ट किया था UPSC के लिए, एक तरफ आपका ये है BTECH पानीपुरी, ठीक है, तो अगर आपको दोनों में से एक चीज चूज करने को मिले कि आप या तो UPSC क्रैक कर ले या फिर ये बिजनेस बहुत ज्यादा स्केल हो जाए आपका, तो आप क्या चूज करेंगी? BTECH पानीपुरी वाली, क्योंकि इसके साथ मेरी एक उम्मीद जुड़ी है जिसमें मैं स्वस्थ भारत का निर्माण करना चाहती हूँ। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, यही काम मिला तेरे को BTECH करने के बाद? ये नहीं, ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम BTECH करने के बाद पानी पूरी बेच रहे हैं। और दीदी इतना स्वस्थ भारत चाहती है, इतना दीदी सुरक्षित भारत के बारे में भी कुछ सोच लो, जब सुरक्षित भारत होगा, दीदी ने स्वस्थ भारत के बारे में इतना सोचे, स्वस्थ गोलगप्पे खाने से भारत को स्वस्थ कर रही है दीदी हमारी। भाई मुझे कोई बता दो ऐसे गोलगप्पे कहाँ मिलते हैं जिससे गोलगप्पे खाने से स्वस्थ बनता है, मतलब जो बड़े बुजुर्ग कह गए वो चूतिया थे कि हरी भरी सब्जी खाओ, ये मैंने घास फूस जो लगा रखी है ये तो बेकार हो गई, अब हरी भरी घास फूस का कोई फायदा ही नहीं, गोलगप्पे खाने से भारत स्वस्थ होगा। तो दीदी भारत सुरक्षित कैसे होगा? दीदी के पीछे वाले लोगों ने हेलमेट लगा रखा है मगर दीदी ने नहीं लगा रखा, दीदी का सर नहीं, दीदी का ISI हेलमेट, मतलब जो पीछे ठेला चल रहा है ना, जैसे ही एक्सीडेंट होने वाला को दीदी को सुरक्षित कर लेगा, दीदी के पीछे वालों तक ने हेलमेट लगा रखा लेकिन दीदी ना, दीदी कहाँ मानेंगी, दीदी तो स्वस्थ भारत को प्रमोट कर रही है, सुरक्षित भारत थोड़ी, रोड सेफ्टी के नियम थोड़ी, अभी यही कोई लड़का ऐसे बिना हेलमेट के बाइक चला ले तो देखो फिर चलान कितने शुरू हो जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ BTECH पानीपुरी वाली और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक छोटे से इन्फॉर्मेशन जिसके लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, वो है कि फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजी के लिए अगर आप चाहते हैं हमारी वेबसाइट को विजिट करिए www. आज के लिए बस इतना ही, अब वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बाकी वीडियो बनाने में अगर कोई गलती हो गई तो आप मुझे सजेशन कर सकते हो, वीडियो कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो भी मुझे वीडियो कमेंट्स करके बता सकते हो ताकि मैं आगे और अच्छी वीडियो बना सकूँ।